रायपुर की छत्तीसगढ़ की विद्वान मीडिया को मेरा प्रणाम। मैं थोड़ा विलंब भी हो गया। आज मैंने आपके आने से पहले मैं दो सभा कर चुका हूँ भिलाई में, और उसके पहले मैं सुबह सुबह जब बिलासपुर में, आज मेरा रात्रि प्रवास बिलासपुर में था, सुबह उठने के बाद वहाँ भी हमने काफ़ी लोगों से बातें करी हैं, और मैंने बिलासपुर में भी रोड शो में भी भाग लिया। अभी तक मेरी 18 जनसभाएं छत्तीसगढ़ में हो चुकी हैं, और चूंकि मैं थोड़ा थोड़ा फेस एक्सप्रेशन भी पढ़ते रहता हूं, उस नाते मैंने अपनी 18 सभाओं के दौरान एक चीज़ तो हमने देख लिया है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का एक गजब का उत्साह छत्तीसगढ़ की महान जनता में है। मैं अपनी तरफ से, चूंकि मैं एक सांसद भी हूं और दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष भी हूं, सभी बातें हमें बड़ी जिम्मेदारी से कहनी होती हैं, और मेरे एक एक शब्द का पार्टी से बहुत गहरा संबंध है। मैं अपनी बातें बहुत सादगी से कहता हूं, और मैं भाषण कम देता हूं, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देता हूं। मैं ये कहता भी रहता हूं, अब समय आ गया है नो भाषण, ओनली इन्फॉर्मेशन एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन। वो राहुल गांधी जी वाला भाषण, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे विचारों की, संस्कारों की और साफ नियत की पार्टी है जिसके ऊपर देश की जनता विश्वास कर रही है, और विश्वास किस कदर है आपने देख लिया है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को अपने पैरों पे खड़ा किया है, वो किसी के लिए भी एक देखने वाली, समझने वाली और सीखने वाली चीज है। अब मुझे, चूंकि मैं जहां का रहने वाला हूं, बिहार में जिस गांव का हूं मैं, हम लोग धान के खेतिहर हैं, हम लोग धान के किसान हैं, इसलिए धान के कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को हम अपने जिले के हिसाब से भी देखते हैं। हम जब धान पैदा करते हैं, अगर धान 1550 रुपया इसका समर्थन मूल्य है, तो हम बिहार के लोगों को अगर 1350 रुपया भी मिल गया और पैसा तुरंत मिल गया, तो हम तो पूरा ढोल बजाते हैं। लेकिन जब हम छत्तीसगढ़ में आके पूछ रहे हैं, पता हो रहा है कि समर्थन मूल्य जितना है वो तो है ही, बल्कि यहां छत्तीसगढ़ में धान के किसानों को बोनस दिया जाता, 300-300 रुपए बोनस। यहां समर्थन मूल्य से ऊपर 2070 के रेट में किसानों के धान लिए जा रहे हैं, और वहीं गरीबों को 1 रुपया किलो चावल दिया जा रहा है। मेरे जैसे एक किसान के बच्चे के लिए किसी 7वें आश्चर्य से कम नहीं है। पिछले बजट में 2100 करोड़ रुपया इस बजट के लिए हुआ, और अब अनुपूरक बजट में मैं पढ़ रहा हूं 2400 करोड़ रुपए। मुझे लगता है कि सच में जो किसानों के प्रति नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उसको सबसे पहले कोई स्टेट अगर जमीन पर ला के दे रहा है, तो वो छत्तीसगढ़ है। उसके लिए मैं रमन सिंह जी को सैल्यूट करता हूं। एक नागरिक के रूप में भी, और पार्टी के एक सांसद के रूप में भी। मैं जहां जहां जा रहा हूं, कभी कभी हवाई मार्ग से जाने का मौका मिल रहा है, पता नहीं ये बात आपके ध्यान में आई नहीं आई, मैं जिधर जा रहा हूं पानी छत्तीसगढ़ में बिल्कुल जमीन के ऊपर दिख रहा है, जगह जगह तालाब दिख रहे हैं। मैं समझता हूं जल संरक्षण, जमीन के जलस्तर कितना उठा हुआ है छत्तीसगढ़ का,
पता नहीं इस पे ध्यान गया कि नहीं गया, क्योंकि मैं दिल्ली में हूं जहां 600 फीट नीचे जाने के बाद भी पानी मिलेगा कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए छत्तीसगढ़ में पानी, बिलासपुर में लोग बता रहे थे कि 80 फीट पे ही पानी आ जा रहा है, तो ये भी एक ऐसी उपलब्धि है जिस जो भी जिस क्षेत्र की छत्तीसगढ़ की जनता समझ भी रही है। मेरे लिए ये भी आश्चर्य का विषय है कि अब देख रहा हूं घोषणा में यहां अभी तक तो 9th क्लास की बेटियों को ही साइकिल मिल रही थी, अब आ गया कि 9th क्लास में जाने वाले लड़कों को भी साइकिल मिलेगी। इसमें भी छत्तीसगढ़ सबसे पहले बाजी मार लिया। अब इसके बाद, इन सारी चीजों के बाद, जब मुझे ये देखना पड़ रहा है कि कुछ लोग अब कांग्रेस के मित्र अपनी बात कहने के लिए पहले गंगा जल हाथ में ले रहे, ये मेरे लिए तो एक कॉमेडी की ऐसी हाइट है जिसको मैं जब से सुना हूं मेरी अंदर की हंसी वो रोके नहीं रुक रही है। मैं रोक के रखा हूं कि कहीं फिर मेरे घर पे राहुल गांधी प्रोटेस्ट न करा दे। आजकल मेरे घर पे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको गंगा जल लेके कहना पड़े कि अब हम ठीक से काम करेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। अगर आपको गंगा जल लेकर के कहने की जरूरत पड़ी, इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी यह है कि जब ये कहते हैं हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे तो कर्नाटक के बारे में सवाल उठेगा। कर्नाटक में भी इन लोगों ने कहा, आज कर्नाटक के किसानों पे एफआईआर हो रही है जो कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। कर्नाटक के किसानों को जेल हो रही है जो इनके वादे को याद दिला रहे हैं। गंगा जल, मुझे बिलासपुर में एक व्यक्ति गाना सुनाने लगा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई कांग्रेसियों के पाप धोते धोते। अब मैं तो गायक हूं, मैं सुनते रहता हूं, तो मैं कभी कभी इन लाइनों को ले लेता हूं, मुझे हंसी आ रही है, पर मैं गाड़ी में काफी गुनगुनाते हुए आ रहा था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई कांग्रेसियों के पाप धोते धोते। एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई कांग्रेसियों के पाप धोते धोते। गंगा की कदर करो कांग्रेस के लोग, छठ की कदर करो, नवरात्र की कदर करो, चाहे आपका जो भी धर्म हो हर धर्मों का सम्मान करो। गंगा की इतनी, आपको गंगा जल लेकर के शपथ लेते हो और गंगा के किनारे छठ खड़ा होके होता है, उसका मैंने कह दिया कि इनको छठ करना चाहिए, तो इतने में हमारे घर पे तोड़फोड़ शुरू हो गई। हम तो कहते हैं जय श्री राम, लेकिन करते हर धर्मों का सम्मान। मैंने एक जगह बोल दिया था ना कि छठ करने वालों के बच्चे देशभक्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं होते। और मेरी यही भावना, जैसे मैं जिस दिन ये बात बोला था उस दिन छठ थी, इसलिए छठ की बात आ गई। मैं नवरात्र में बात करूंगा तो नवरात्र की बात करूंगा, मैं अगर लोहड़ी में बात करूंगा तो लोहड़ी की बात करूंगा, मैं अगर किसी के त्योहार में शामिल हो रहा हूं तो मैं उसको करता हूं या नहीं करता हूं, मैं उसके सम्मान में 2 मिनट जरूर खड़ा हो जाऊंगा। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को, हमने इतना ही कहा था
कि सोनिया जी को भी छठ करना चाहिए। मत करिए, आपको छठ इतना बुरा लगता है मत करिए, लेकिन मनोज तिवारी के घर पे पत्थर तो मत फेंकवाइए। तुमने कैसे कह दिया कि मुझे छठ करना चाहिए? अब उसमें तरह तरह की बातें आ गई। कोई कह रहा है कि मैंने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी का तो मैंने उस स्टेटमेंट में नाम ही नहीं लिया। अब हम कहे कुछ आप समझ जाइए कि उन्हीं से जुड़ा हुआ है, तो हम तो कहेंगे ही हाँ दे रिंकिया के पापा, तो आप कहेंगे राहुले पे गा रहा। अरे भैया हम गाना गा रहे, हम लोगों को खुश रखते हैं। अब इनके एक राजबब्बर जी है, रमन सिंह जी ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की एक भारी समस्या को, हरित प्रांत के एक भारी समस्या को उन्होंने सॉल्व किया है, नक्सल प्रॉब्लम को जिस प्रकार से रमन सिंह जी ने सॉल्व करते हुए उन भटके हुए भाइयों को मुख्य धारा में लाए हैं, नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों को जब मुख्य धारा में ला रहे हैं, जो कल कांग्रेस के शासन में ही लोग भटके थे, अब जब वो मुख्य धारा में बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है रमन सिंह जी, तो राज बब्बर जी कहते हैं ये तो क्रांतिकारी है। कौन स्कूल में पढ़ गए लो भैया राज बब्बर बाबू? आप नक्सलियों को क्रांतिकारी कह देते हैं। एक तो उनके नवजोत सिंह सिद्धू जी भी आज सुना पता चला कहीं आए हुए हैं, वो कहते हैं भारत से अच्छा पाकिस्तान है, उनको पाकिस्तान के लोगों से गले लगने में ज्यादा आनंद आता है बनिस्बत भारत के लोगों से। ये कोई संक्रामक रोग है क्या कांग्रेस के पास की जो भी जाता है उसी रंग में ढल जाता है? मुझे तो लगता है कि मैं रायपुर के इस पीसी से एक सवाल कर सकता हूं कांग्रेस से कि आप स्पष्ट करें कि राज बब्बर के द्वारा नक्सलियों को क्रांतिकारी कहना और आपके नवजोत सिंह सिद्धू को जो एक बॉर्डर स्टेट के मिनिस्टर है, सीनियर मिनिस्टर, उनका प्रेम भारत से ज्यादा पाकिस्तान के प्रति होना, इस पे कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आई वांट टू आस्क। और मैं देखिए आप सबको पता है मैं बड़ा ही शालीन व्यक्ति हूं, मेरा नाम भी मनोज तिवारी मृदुल है, मैं मृदुल की डेफिनेशन में रहना चाहता हूं, सॉफ्ट व्यक्ति हूं, मैं हंसते हंसते चलना चाहता हूं, हंसाता हूं, मैं कभी भी हिंसक नहीं हो सकता, किसी को गाली नहीं दे सकता, भले लोग मुझे धक्का देकर के गिराने की कोशिश करें। आम आदमी पार्टी वालों को आपने देखा ही होगा, आम आदमी पार्टी भी सुने यहाँ पे चुनाव भी लड़ रहे हैं ना, हाँ कहीं कहीं झाड़ू का निशान देखे हम के ले इधर ही आ रहे हैं सर। ये पूरी तरह से गुंडों की पार्टी है और अगर नरेंद्र मोदी जी को मारने की साजिश कुछ अरबन नक्सली रच रहे हैं तो अरबन नक्सलियों का एक बड़ा एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल है। आप सोचिए जो व्यक्ति मुख्यमंत्री होते हुए कहता हम रिपब्लिक डे परेड रोक देंगे, उसके खिलाफ धरने पे बैठ जाते, एक ब्रिज के उद्घाटन में सिग्नेचर ब्रिज जिसको शुरू किया साहेब सिंह वर्मा जी ने, जिसमें पहला बजट दिया अटल जी ने, जिसमें जब तक 265 करोड़ की जगह 1100 करोड़ रुपया चला गया था तब तक आम आदमी पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं था, वो पार्टी ही नहीं थी, आदमी तो छोड़ दीजिए। जब मैं सांसद बना तो उस क्षेत्र के मैनिफेस्टो का मेरा पहला वादा कि मैं सिग्नेचर ब्रिज बना के दूंगा, पहली मीटिंग 33 करोड़ रुपया दिया, लेकिन फीता काटेंगे साहब अरविंद केजरीवाल, काटो भैया तुम बहुत कुछ काट रहे हो, फीता भी काट लो। मुझे नहीं बुलाया, मैंने एक ट्वीट किया तो मनीष सिसोदिया जी ने मुझे टैग करके इनवाइट कर लिया। अब मैं किसी के आमंत्रण के बाद ना जाऊं तो एक और मुसीबत,
मैं आप लोगों को इस मुद्दे पे बहुत कंफ्यूजन है, लोग कहते हैं कि मनोज तिवारी बिना बुलाए चला गया। नो सर, आई वॉज इन्वाइटेड। आजकल ट्विटर, एक ट्विटर से अगर आइडेंटिटी वेरीफाइड ट्विटर हो तो उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। और बुला के मुझे धक्का दे दी, 5 फीट ऊपर से गिराने की कोशिश हुई। अगर मैं गिर जाता, सिर फट जाता, मॉब मेरे ऊपर दौड़ जाता तो शायद आपको कुछ और भी समाचार मिलता। लेकिन हम इन सारी चीजों के बीच हम सतर्क जरूर करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से, आम आदमी पार्टी के गुंडों से भी सतर्क रहना है। और मेरा मानना है कि राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है, वो तो एक लाइन का बयान 100% का है कि कांग्रेस इस समय वो दिवालिया बैंक की तरह है, उस दिवालिया बैंक की तरह जो पोस्ट डेटेड चेक बांटने में लगी हुई। मेरी आप सब रायपुर की मीडिया के मार्फत मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं रायपुर के लोगों से, छत्तीसगढ़ के लोगों से, कि आप साफ नियत भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें। मैं समझता हूं वो समय दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ रमन सिंह जी के नेतृत्व में इस देश का सबसे विकसित राज्य होने की तरफ अग्रसर है।